गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरिटा लैक्स या हेला सेल्स। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो हेनरिटा लैक्स जो है उनकी फैमिली ने एक लॉ सूट जो है उन्होंने एक बायोटेक कंपनी के अगेंस्ट जो है वो लॉ सूट फाइल किया हुआ था, जहाँ पे जो है फाइनली उनका जो है फैसला जो है वो आ गया। उन्होंने लॉ सूट जो है उसको सेटल जो है वो कर लिया। उन्होंने कंपनी के ऊपर दोष जो है एक्यूज किया था कि वो जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं हेनरिटा लैक्स के सेल से बिना उसके कंसेंट के, जिसने जो है एक जो मेडिसिन इंडस्ट्री जो है उसमें काफी ज्यादा बड़ी रेवोल्यूशन जो है वो लेके आई है। अब देखते हैं ये हेनरिटा लैक्स जो है ये कौन थी और क्या है जो उनके सेल्स जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्यों है, जिनको हेला सेल्स भी कहा जाता है। हेनरिटा लैक्स जो है ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन थी जिनकी डेथ हो जाती है 1951 में सर्वाइकल कैंसर की वजह से। उस टाइम पे उनकी एज थी 31। उनकी नॉलेज के बिना या फिर उनके कंसेंट के बिना डॉक्टर्स ने क्या किया, उनके ट्यूमर का सैंपल जो है वो ले लिया और उसको लैब में भेज दिया, जहां पे ये पाया गया कि उनके सेल्स जो थे वो इनडेफिनेटली ग्रो कर रहे थे कल्चर में। हर सेल्स नोन एज हेला सेल्स, और उनके सेल्स को हेला सेल्स जो है ये कहा जाता है, जो कि पहले इमॉर्टलाइज्ड ह्यूमन सेल लाइन जो है वो बनते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च, और सबसे ज्यादा बायोमेडिकल रिसर्च में यूज करने वाले सेल्स जो हैं ये हेला सेल्स जो हैं ये बन जाते हैं। हेला सेल्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू मेनी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, बहुत से ब्रेक थ्रूज जो है हेला सेल्स की वजह से आए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन, जीन मैपिंग, कैंसर ट्रीटमेंट, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, क्लोनिंग, स्टेम सेल स्टडीज और कोविड-19 वैक्सीन जो है, इन सब में जो है हेला सेल्स ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो किया। और जिस वजह से क्या हुआ कि वो जो पर्टिकुलर जो आपकी मेडिकल बायोमेडिकल कंपनीज जो थी वो उससे बहुत ज्यादा मुनाफा जो है वो कमा रही थी। तो इस वजह से ये जो हेनरिटा लैक जो है उनकी फैमिली ने एक लॉ सूट जो है बायोमेडिकल कंपनीज के अगेंस्ट जो है वो कर दिया था, और जो कि फाइनली अब जो है वो सेटल डाउन हो गया है। उसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने जो है हेनरिटा लैक्स जो है उनको उनकी डेथ के बाद जो है एक अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया। अवार्ड का नाम था WHO डायरेक्टर्स जनरल अवार्ड। तो ये अवार्ड उनको दिया गया October 13, 2021 को। द अवार्ड एक्नॉलेज हर स्टोरी, उनकी स्टोरी को इस अवार्ड ये अवार्ड जो है वो एक्नॉलेज करता है, विच इज वन ऑफ इन इक्विटी एंड रिकोगनाइज हर वर्ल्ड चेंजिंग लेगेसी टू साइंस एंड हेल्थ। WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड जो है ये एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन जो है ये दी जाती है WHO के द्वारा ऐसे इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज में जो है वो दिया हो, साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट किया हो लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू रीजनल हेल्थ इश्यूज एंड एम्बॉडीड लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन, रिलेंटलेस एडवोकेसी एंड सेल्फलेस सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। तो ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप्स को ये अवार्ड जो है WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड जो है ये दिया जाता है। अब क्योंकि हेला जो है उनको जो है ये सर्वाइकल कैंसर था, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में देख लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज अ कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द सेल्स ऑफ सर्विक्स। तो सर्विक्स के सेल्स में ये जो कैंसर जो है ये बनना स्टार्ट होता है। द सर्विक्स इज द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस का जो लोअर एंड नैरो एंड एरिया होता है वहां पे आपका सर्विक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वहीं पे आपका सर्वाइकल कैंसर जो है वो होता है। सर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस टू द वेजाइना। तो ये यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। सर्विकल कैंसर यूजुअली डेवलप स्लोली ओवर टाइम बिफोर कैंसर अपीयर्स इन द सर्विक्स। द सेल्स ऑफ द सर्विक्स गो थ्रू चेंजेस नोन एज डाइस्प्लेशिया, इन विच अबनॉर्मल सेल्स बिगैन टू अपियर इन द सर्वाइकल टिश्यू। तो जो आपके सर्वाइकल टिश्यूज जो होते हैं वहां पे एबनॉर्मल सेल्स जो है वो अपियर होने शुरू हो जाते हैं ओवर टाइम। अगर उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए या रिमूव ना किया जाए तो ये एबनॉर्मल सेल्स जो है वो धीरे धीरे कैंसर सेल्स जो है वो बन जाते हैं एंड स्टार्ट टू ग्रो एंड स्प्रेड मोर डीपली, और वो और ज्यादा स्प्रेड जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं इन टू द सर्विक्स एंड टू द सराउंडिंग एरियाज। तो सर्विक्स और उसके सराउंडिंग एरियाज में ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सर्विकल कैंसर केसेस 99% केसेस जो होते हैं वो लिंक होते हैं इन्फेक्शन विद हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो HPV वायरस के साथ जो है ये लिंक होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली कॉमन वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये
वायरस जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है, उसी की वजह से ये सर्विकल कैंसर केसेस जो हैं ये देखे जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हेला सेल्स के बारे में थी और सर्विकल कैंसर के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।